यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाए सबसे पहले सबसे आगे। डाल्टनगंज के कानू मोहल्ला के नजदीक स्थित गोरो मंदिर के पास शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास प्रदीप चौधरी के खेत में अचानक आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों को भय सताने लगा। आग लगने से खेत में रखे लगभग सैकड़ों बोझा धान जलकर खाक हो गई। भुक्तभोगी प्रदीप चौधरी की बात माने तो आग कैसे लगी यह उसे नहीं पता। हालांकि खबर लिखे जाने तक आग की लपट काफी तेज थी व मौके पर अग्निशामक नहीं पहुंचा हुआ था। वही भुक्तभोगी ने जिला प्रशासन से मदद का गुहार लगाया है। अब तो पता नहीं है कैसे लगा, देखे कौन लगा दिया, पूरा बहुत साथ में धान का बोझा था बहुत। आपको ये जानकारी कैसे मिला? जानकारी जब हम घर जैसे गए तो एक गांव का जा रहे थे तो वो बोले कि आपका सब धान में आग लगा दिया, कौन कौन पूरा जल रहा, तो वहाँ से हम लोग पूरा टूटे तो देख रहे हैं कि पूरा जल रहा है। इसमें कितना धान होगा? 400-500 बोझा था। 500 बोझा? हाँ। आप क्या चाहिएगा, प्रशासन से कोई मदद चाहिएगा? हाँ तो अब चाहेंगे ना सर, बताइए इतना हमारा बत्ती बर्बाद हो गया तो मान से लिए कि अब तो किसी तरह से हमको चाहिए कुछ मदद। आपका नाम? प्रदीप चौधरी।